हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसके बाद हमारा नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है जो आप देखना उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर एनवायरमेंट जो लोगों के आज ऑनलाइन टेस्ट है इस चैप्टर के लिए ऑल द बेस्ट टू देम डू वेल एंड आई होप आप सब फुल मार्क्स स्कोर करोगे ओके okay, तो फटाफट से लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है बहुत ही इजी है ये अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो फॉलो कर रहे हो तो शेयर कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन मैक्सिमम योर फ्रेंड्स टू तो सी दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ओके लेट्स गेट स्टार्टेड वाटर फॉर ऑल ठीक है इसका मतलब ये होता है कि वाटर आप चाहे डायरेक्टली यूज़ करो इनडायरेक्टली यूज़ करो हर चीज़ में आपको वाटर की ज़रूरत है हर कोई वाटर को यूज़ करता है जैसे मैं इन जनरल वाटर के यूजेज आप सबको पता है बैदिंग क्लीनिंग ठीक है कुकिंग ड्रिंकिंग तो बाई डिफ़ॉल्ट है ही ठीक है वॉशिंग इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ सारे केमिकल्स ये भी सब वाटर में ही डिज़ोल्व होते हैं तो हर जगह वाटर का यूज़ है ही है अनगिनत वाटर के यूज़ है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर कोई वाटर यूज़ करता ही है अब वाटर के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो जब वाटर इतना ज़्यादा ज़रूरी है फिर भी आज हमारी केयरलेसनेस की वजह से देर इज़ लॉट ऑफ वाटर पॉल्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा वाटर क्राइसिस के बारे में भी ठीक है बैंगलोर में इनफैक्ट वाटर क्राइसिस की वजह से कंस्ट्रक्शन की परमिशन तक चली गई है कुछ सालों तक क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा वाटर क्राइसिस है कंस्ट्रक्शन में भी पानी यूज़ होता है ना तो वाटर पोल्यूशन है वाटर क्राइसिस है हमारे पास इनफ फ्रेश वाटर नहीं है ठीक है हमारे पास देखो ऐसे ओशन है सी है बट ये कौन सा पानी होता है खारा पानी खारा पानी कोई भी यूज़ नहीं करता ना फैक्ट्री ना इंडस्ट्री ना कुकिंग बेडिंग क्लीनिंग किसी में भी आप ये वाटर यूज़ कर ही नहीं सकते आपको क्या चाहिए फ्रेश वाटर चाहिए फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या है आपको कहाँ से मिलता है फ्रेश वाटर सबसे बड़ा सोर्स है रेन दूसरा है रिवर और तीसरा है ग्लेशियर यानी जो आइस के फॉर्म में बस ये तीन सोर्स है आपके पास फ्रेश वाटर के इसके अलावा फ्रेश वाटर के कोई सोर्स नहीं है ठीक है एक है अंडरग्राउंड वाटर ठीक है बट ये सोर्सेज भी क्या है धीरे 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 रिवर्स पोल्यूट हो रही है ग्लेशियर्स मेल्ट होके ओशन में मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्सेस कम होते जा रहे हैं पोल्यूशन और डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से हमें कुछ ऐसा सस्टेनेबल तरीका सोचना पड़ेगा जिससे कि हम पानी को बचा सकें तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है कि पहले के टाइम में क्या था तो पहले के टाइम में वाटर को कंजर्व करने के लिए उस वक्त कैनाल्स बनाई जाती थी ठीक है इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इंडिया के अंदर कैनाल सिस्टम स्टार्ट करी थी ठीक है उसको हम इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जानते हैं तो कैनाल के थ्रू क्या होता था सारे फार्म्स में खेतों में पानी जाता था ठीक है आज भी आप देखोगे आपको दिखेगी कैनाल्स जो अभी या तो फंक्शनल नहीं होगी या तो बंद हो गई होगी तो कैनाल्स के थ्रू पानी हर जगह डाइवर्ट किया जाता था भेजा जाता था फिर धीरे 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 वो सिस्टम कम एफ़िशेंट लगने लगी तो हमने डैम्स बनाने स्टार्ट किए डैम्स क्या है एक लार्ज वाटर बॉडी है या एक लार्ज स्टोरेज है ये कंसिडर करो जो वाटर को स्टोर करता है उसी से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है उसी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ठीके, तो ये जो सारी टेक्निक्स है उसके बाद बीच में आया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस साल भी हमने बहुत ज़्यादा बहुत सारी सिटीज़ ने अलग अलग आइडियाज़ से फॉलो किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी आ रहा है उस पानी को बचा के रखो ठीक है तो इसके लिए आप अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी छतों पे जो पानी बारिश का आता है तो वो जो पाइप है जिससे वो नीचे बहता है तो वहाँ पे नीचे वो पाइप को ये लोग अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं तो वो जितना भी पानी कलेक्ट होता है वो सारा अंडरग्राउंड टैंक भरती जाती है फिर उस पानी को वॉशिंग में या फिर बैथिंग में यूज़ कर सकते हैं ठीक है कई लोग दूसरा सिस्टम बनाते हैं टेरेस पर ही एक टैंक अलग से बना देते हैं जहाँ पर सारा रेन वाटर कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसी टेक्निक्स बनाई जाती है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए ठीक है क्यों हमें स्टोर करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें वाटर क्राइसिस ना फेस करनी पड़े आजकल लगभग हर स्टेट के पास वाटर क्राइसिस है इस बार शायद आपने देखा होगा गणपति विसर्जन के अंदर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए थे कि पानी को बचा के हम लोग गणपति विसर्जन में यूज करें जैसे बहुत से लोगों ने ड्रम के अंदर पानी भर के गणपति की मूर्तियाँ को मूर्ति का विसर्जन किया था काफ़ी लोगों ने मिल्क और चॉकलेट के अंदर किया था ठीक है केरला में बना खाना को यूज़ किया गया था तो ये सारी टेक्निक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए ठीक है वाटर ऑगमेंटेशन का मतलब है कहीं पे एक लार्ज एरिया पे वाटर को आप स्टोर कर रहे हो और उस वाटर को आप फ्यूचर नीड्स के लिए बचा के रख रहे हो इस चीज़ को हम बोलते हैं वाटर ऑगमेंटेशन ठीक है चलिए अभी हम डिटेल में देखेंगे डैम्स के बारे में ठीक है एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है ये सारा अभी हम देखेंगे ओके ओके जो डैम्स है ठीक है अब सबसे पहले आप कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपका मन अपने आप पे डैम बना कंस्ट्रक्ट कर दिया ठीक है डैम के जितने आपको एडवांटेजेस पता है कि हाँ वाटर स्टोर होता है लार्ज क्वांटिटी में हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, डैम के अंदर रेन वाटर हार्वेस्ट हो गया ठीक है फिर उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डैम बनाते वक्त आपको क्या डिसएडवांटेजेस ध्यान में रखने हैं एक हो गया सोशल इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल तीन एस्पेक्ट इस आपको ध्यान में रखने हैं सोशल का मतलब है अगर कहीं पे भी डैम बनाना है तो आप बना नहीं सकते वहाँ पे ऐसे आपको ट्राइबल पीपल या जो भी विलेजर्स वहाँ पे रह रहे उनको शिफ्ट करके कोई दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा उसके बाद आप वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सो शिफ्टिंग ऑफ लोकल पीपल और वो लोग बहुत आसानी से नहीं मानते हैं ठीक है थीके? क्योंकि उनकी वो जगह है उनका घर है थोड़ी ना वो लोग शिफ्ट कर लेंगे इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये आता है कि जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे पूरा जब इतना सारा पानी भरते हैं पाँच हज़ार दस हज़ार फीट जब अंदर पानी भरा जाता है तो वो अर्थ पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगाती है कि वो रीजन पे अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरा ये है कि जब डैम वाटर कलेक्ट किया जा रहा है तो उस वक्त बहुत सारी फिश अंदर है एक्वेटिक लाइफ है तो वो अंदर फंस जाते हैं वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाते और जब वो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे वो लोग माइग्रेट करके क्या करते हैं एग ले करते हैं है ना फ़िश का ये होता है कि फ़्रेश वाटर फिश जनरली माइग्रेट करके अंडे कहीं और दे के आती है माराइन वाटर वाली फ़िश फ्रेश वाटर में आके अंडे देती है तो इनका ये माइग्रेशन फ़िश के अंदर कॉमन होता है जब ये माइग्रेट नहीं कर पाएंगे अंडे ले नहीं करेंगे एग ले नहीं करेंगे तो क्या होगा इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ये कुछ इम्पैक्ट है डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के इसीलिए एक डैम है आपका कॉन्ट्रोवर्सियल डैम नर्मदा डैम ठीक है अब इसके पीछे एक मूवमेंट भी चल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन Government, ये वाला जो डैम है उसकी हाइट बढ़ाना चाहती है अब उसकी हाइट बढ़ाने के लिए आजू बाजू के और लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा वो लोग वहाँ से शिफ्ट होने को तैयार नहीं है ठीक है तो उन लोगों ने यह आंदोलन किया है नर्मदा बचाओ आंदोलन उनका ये कहना है कि हम जो नर्मदा रिवर है उसमें पानी रखे रहना चाहते हैं हम वो वाटर डैम के अंदर नहीं ऐड करना चाहते ठीक है तो ये एक सोशल इशू बन चुका है आई थिंक इट हैज़ बीन फ्रॉम मेनी ईयर्स एट टू नाइन ईयर्स ये इशू चल रहा है ओके okay? तो ये हमने देखा डैम के एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है अब मैं आपको कुछ बताऊंगी पुराने टाइम पे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाई गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब क्या है खादीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में तो यहाँ पे पहले एक कैचमेंट एरिया बनाया जाता है हमेशा जहाँ पे भी डैम वगैरह होगा तो उसके आसपास एक कैचमेंट एरिया होगा यानी एक ऐसा फॉरेस्ट रीजन जहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता हो तो ये हमने मान लिया ये है वो कैचमेंट रीजन अब यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन है यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होगा स्लोपी है तो सारा पानी कैचमेंट रीजन से आएगा कहाँ पे बहत के नीचे आएगा नीचे ये लोग क्या करते हैं नीचे ये लोग क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे ये लोग क्रॉप्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा यहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पे हर जगह इनको पानी मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे सारा पानी आया क्रॉप्स को पानी मिला अब जो और एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे इन्होंने डगवेल टाइप का बनाया होता है तो इसके अंदर वाटर स्टोर होता रहता है और जो एक्स्ट्रा पानी बचा वो सारा फिर यहाँ पे एक सलाइन एरिया बनाया होता है यहाँ पे वो वाटर स्टोर होता ठीक है तो ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसी जगह के लिए बहुत यूज़फुल है जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस सिस्टम को बोला जाता है खादीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसका डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है so इसके अलावा और बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिनको आपके सिर्फ नाम वगैरह आपको याद रखने हैं कुल्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश अगर कभी गए होंगे तो वो लोग बहुत छोटे छोटे ऐसे क्या बनाते हैं नदी जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं रिवर जैसे जिसमें लोग वाटर को स्टोर करते हैं कुल्स है टैंक्स है बंधाराज़ यहाँ पे सबकी स्टेट वाइज टर्मिनोलॉजी अलग अलग है नदी केरला के अंदर बट सबका एम तो वही है सब ने क्या किया है छोटे छोटे ऐसे जोन्स बनाए हैं छोटे छोटे ऐसे एरियाज बनाए हैं जिसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है ठीक है तो ये हमने देख लिया वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर अब ऐसा बोलते हैं कि सबसे सेफ और सबसे बेस्ट तरीका अगर वाटर को रखने का है तो वो है ग्राउंड वाटर ठीक है आप वाटर हार्वेस्टिंग अगर रेन वाटर से भी कर रहे हो तो वो सारा पानी आप ज़मीन में डाल दो ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर सबसे सेफ़ और प्योर इसलिए होता है पहला तो ग्राउंड वाटर इवेपोरेट नहीं होगा कभी भी आपके नदी के अंदर पानी है डैम के अंदर है तो वो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होगा दूसरा कभी भी पल्यूट नहीं होगा क्योंकि पल्यूशन हमारा ऊपर है ह्यूमंस कर रहे पॉल्यूशन ग्राउंड के अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं है तीसरा कोई टेंशन नहीं है कि कोई इंसेक्ट है मस्कीटो कुछ भी आके अपने एग वेग ले भी नहीं करेगा ठीक है तो वो पानी अनकंटामिनेटेड रहेगा ठीक है तो इसलिए ग्राउंड वाटर को सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है प्योर वाटर का और सबसे प्योरेस्ट सोर्स भी माना जाता है ओके एक ओवरव्यू ले लेते ले हैं इस चैप्टर का इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि हमें कोल पेट्रोलियम को मैक्सिमम बचाना है ठीक है हमारे जो ख़त्म होने वाले जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी है उनको बचा के हमें क्या करना है हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी को यूज़ करना है ठीक है कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है यहाँ पे कि आप सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो यूज़ करो आप विंड एनर्जी यूज़ करो आप टाइडल एनर्जी यूज़ करो आप थर्मल एनर्जी यूज़ करो तो ये सारे सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी आप यूज़ करो ना कि कोल पेट्रोलियम ठीक है क्रूड इन सबको यूज़ नहीं करना है आप जितना ज़्यादा बचाओगे उतना आप ही के फ्यूचर जनरेशन के लिए वो हेल्पफुल है यूज़फुल है ठीक है तो आप जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बचाओ स्टेयर्स लो अगर आप सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हो तो आपको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है ठीक है अगर कोई एक ही जना जा रहा है तो वो कार यूज़ ना करे वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे या वो टू व्हीलर यूज़ करें ठीक है अगर घर में तीन चार लोग साथ में जा रहे तो एक ही गाड़ी में जाए ना कि अलग अलग जाए तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप आप खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो पता है बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमें अर्थ के लिए कुछ करना है हमें नेचर को बचाना है पर गवर्नमेंट कुछ करे हम तो बहुत छोटे लेवल पर हम क्या कर सकते बट आप छोटे लेवल से ही शुरू कर सकते हो आप इंडिविजुअल आपके घर पे कहीं पे भी फालतू इलेक्ट्रिसिटी चल रही है आपने उसको बंद कर दिया तो आप छोटी छोटी चीज़ों को सेव करके आप फिर एक बड़ा चीज़ कर सकते हो और आप लार्ज क्वांटिटी में इन्वामेंट की हेल्प कर सकते हो ओके okay? तो आज के लेक्चर में इतना ही ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगी अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू